आज हम कोरल ड्रॉ के अंदर टाइपिंग मास्टर का लोगो बनाना सीखेंगे। समझते हैं इस टाइपिंग मास्टर के लोगो को हम इजीली कोरल में कैसे क्रिएट कर सकते हैं। टाइपिंग मास्टर का लोगो बनाने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे शेप टूल पे क्लिक करना है। यहाँ पर ये मैं सर्कल शेप ले रहा हूँ, इलिप्स टूल पे क्लिक करते हैं और एक यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करते हैं। इसकी हाइट विथ मैं इक्वल कर देता हूँ, मान के चलते हैं 8x8 इंच कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके ऊपर ये बॉक्सेस बनाने हैं। तो बॉक्सेस बनाने के लिए आपको यहाँ पर रेक्टेंगल टूल पे क्लिक करना है। एक यहाँ पे छोटा सा बॉक्स बनाएंगे, इसकी भी हाइट विथ हम इक्वल कर देते हैं, मान के चलते हैं 2x2 इंच कर दिया। उसके बाद अभी इस पर आप कोई कलर लगाना चाहो, जैसे मैं इस पर वाइट कलर ऐसे अप्लाई कर देता हूँ। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से इसकी जो राउंड अप है, इसके राउंड अप को थोड़ा सा कॉर्नर को राउंड करना है। कॉर्नर एकदम शार्प रहेगा, इसको थोड़ा सा राउंड करना होगा। तो मान के चलते हैं यहाँ पे मैं 0.5 इंच राउंड कर रहा हूँ, यहाँ पे 0.5 इंच राउंड हो गया। और इसी को कॉपी पेस्ट करना है। कॉपी पेस्ट करने के लिए कीबोर्ड से प्लस का बटन दबाएंगे तो यहाँ पर इसकी कॉपी पेस्ट हो जाएगी। यहाँ पे हम अब इसको थोड़ा साइड में रख सकते हैं। उसके बाद ऊपर से एक गाइडलाइंस को आप यहाँ से नीचे उतार लीजिएगा, ताकि आप इसको थोड़ा सा अच्छे से इंडिकेट करके रख सकें, तो इसको सही से एडजस्ट कर लेंगे ऊपर की ओर। इसी प्रकार इस पर एक और प्लस प्रेस करेंगे और इसको हल्का सा यहाँ से इस साइड मूव करके रख देंगे। देन इधर से भी आपको एक गाइडलाइन को लेके आना है और यहाँ पे फिर एक प्लस का बटन दबाएंगे और इसकी भी एक कॉपी यहाँ पर रख लेंगे। और इस पर भी प्लस का बटन दबाएं, फिर इसकी भी एक कॉपी इस साइड में रख लेंगे ऐसे। फिर इन सबको सेलेक्ट कर लेना है और कंट्रोल जी से इसको मैं ग्रुप कर देता हूँ और इस पर क्लिक करके इसको हल्का सा ऐसे तिरछा कर दो, हल्का सा तिरछा कर देना है। इसके बाद इस गाइडलाइंस को हटा दो, अब इसका कोई यूज नहीं है, इसको हटाते हैं हम। उसके बाद अभी आपको क्या करना है, इस पर एक कलर फिल करना है। कलर फिल करने के लिए यहाँ से हम ग्रीन कलर पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर ये कलर फिल हो गया। कलर फिल करने के बाद इसी के ऊपर आपको एक और शेप बनाना है, ठीक है, जो इसके पीछे रहेगा, हल्का सा ये वाइट शेप रहेगा। तो इसी पे हम प्लस पे क्लिक करते हैं, इसकी भी कॉपी पेस्ट हो गया। और इसके साइज़ को भी बढ़ा देंगे। बढ़ाने के लिए क्या करना है, आपको कोने से पकड़ के साइज तो बढ़ाना है लेकिन कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस कर देना, ताकि आप इक्वल डिस्टेंस को मैनेज कर सको। हल्का सा साइज बढ़ा देते और अंदर वाली शेप इस पर क्लिक कर देते हैं हम यहाँ पर वाइट। और इसके ऊपर राइट क्लिक करके ऑर्डर में जाकर इसको हम टू बैक ऑफ पेज कर देते हैं, ताकि पेज के पीछे चला जाए। उसके बाद इसको आपको इसके ऊपर रखना है, थोड़ा सा इसका साइज कम कर देते हैं, एडजस्ट कर लेंगे सही से। कीबोर्ड की एरो की मदद से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद अभी हम इस पर क्या करेंगे, इस पर शेडो लगाएंगे। तो पीछे वाले शेप पे क्लिक करते हैं और इस पर एक शेडो लगाना है। शेडो लगाने के लिए यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा ड्रॉप शेडो टूल के नाम से, इस पर से एक ड्रॉप शेडो इंडिकेट ले लेना है। फिर यहाँ पर बटन दबाया रखा और इस साइड ले जाके छोड़ दिया, तो यहाँ से क्या होगा, एक शेडो क्रिएट हो जाएगा। थोड़ा नीचे की ओर रख लेते हैं इसको, हल्का सा इसको ऊपर की ओर। उसके बाद अभी पिक टूल की मदद से इन सभी को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से जो क्रॉस बन रहा है इसके ऊपर माउस का राइट बटन दबा देना, ताकि इनकी जितने भी आउटलाइंस हैं सारी आउटलाइंस डिसेबल हो जाएं, मतलब मिट जाएं। तो इस प्रकार से आप कोरल ड्रॉ के अंदर बड़े इजीली टाइपिंग का लोगो बना सकते हो। इस वीडियो में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।